जी असल उम्मीद है कि आप सब लोग खरीद से होंगे जमान पार्क के बाहर इस वक्त कारकुन दोबारा पहुंच चुके हैं ऑल दो के आज लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि कल तक जनाब किसी किस्म की कार्रवाई को भी मुलतवी कर दिया जाए लेकिन कारकुन वहां पहुंच गए क्योंकि खदशा है कि दोबारा कार्रवाई हो सकती है इसमें मैं थोड़ी सी तफीलात आपके शेयर करूंगा जिले शाह का जो एक्सीडेंट हुआ था पुलिस के मुताबिक क्या उसकी कोई फुटेज अब तक सामने आई है बड़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपको बताऊंगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ इस हुमत ने क्या किया है आलमी सतह पे क्या हो रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलातें वो मैं आपसे शेयर करूंगा जी आज लाहौल मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर जनाब यह मुकदमा अब चल रहा है जो इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट है वहां पर लेकिन जज साहब ने जो यह कहा है कि मैं इस वारंट को उसी सूरत में मुअतल करूंगा या हॉल्ट करूंगा जब इमरान खान अपने आप को सरेंडर करेगा अब ये जो इस तरह के वारंट हैं ये रोजाना दर्जनों निकलते हैं रोजाना इस तरह के वारंट आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल पंजाब से एक एंटी करप्शन की टीम आई थी एक वारंट लेके अदालत का वारंट लेके राना सनाउल्ला साहब को उन्होंने वो वारंट की तकमील वगैरह करवानी थी लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ने उनसे कितना ताउन किया था वो पूरे मीडिया ने दिखाया था और वो सब कुछ सबके सामने है तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह के वारंट्स वगैरह तो बहुत सारे लोगों के निकलते रहते हैं लेकिन जिस किस्म की कार्रवाई लाहौर के अंदर की जा रही है उसकी नजीर नहीं मिलती और अब खदशा यह है कि दोबारा इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये जो वारंट है वो तो मुलतवी नहीं या जिसे आप कह सकते हैं उनके अंदर किसी किस्म का रुकावट नहीं डाली डालेगी अदालत की जानव से या उनको मंसूख नहीं किया गया तो इस वजह से अब दोबारा कार्रवाई हो सकती है और कारकुन वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं उन्होंने रुकावटें वगैरह भी खड़ी करनी शुरू कर दी अब देखते हैं कि किस किस्म की वहां पर कार्रवाई करते हैं क्या कार्रवाई करके आप जो है वहां पे इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे उसकी आपने देख लिया दो तीन दिन के अंदर वहां पे जो कुछ होता रहा वो हमारे भी सामने है पूरी कौम के सामने आज इमरान खान साहब ने भी एक वीडियो शेयर की हुई है जिस वीडियो के अंदर बच्चा एक लड़का जो है वो धमाल डाल रहा है आगे पीछे आंसू गैस के गोले हैं धुआं धुआं है, है। वहां पे जनाब सांस लेने पुलिस के लिए भी मुश्किल हुआ हुआ था लेकिन वो लड़के वहां पे जनाब रक्स रक्स कर रहे हैं और धमाल डाल रहे हैं ये शो करता है एक तरह से पैशन खान साहब ने जो अपनी ट्वीट के अंदर जिक्र भी किया एक तरह से जुनून तो वो जो मैं जो है मुख्तलिफ जो हालिया दौर के अंदर मैंने चीजें देखी हैं उसको देख के कुछ चीजें जो है मेरी नाकस अकल के मुताबिक कि आप तकबर से आजी का मुकाबला नहीं कर सकते इन तेरह चौदह जमातों की सबसे बड़ी जो डाउनफॉल मेरी नजर में जो हो सकता है गलत हो मेरी नाकस अकल है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं सबसे बड़ी इनकी डाउनफॉल जो मुझे नजर आई ना इनके अंदर जो सियासी तकबर और जोम है उस वो अनप्रेसिडेंटेड मैंने देखा मैंने मतलब दुनिया के मुख्त अंदर मैंने सियासतदानों से बातें की हैं अपने मुखालिफ के हवाले से इतना तहजीक आमेज रवैया मैंने नहीं देखा मुखालिफिन के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं आप उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाते हैं आप उनके ऊपर दीगर चीजों के इल्जाम लगाते हैं वो दुनिया भर में होता रहता है लेकिन आप इन मोज दोस्तों से बात कर लें पीडीएम वालों से या दीगर जो पीडीएम के दादी हैं जो इतिहादी हुक्न इनके जिस भी लीडर से आप बात करें वो इंतहा तोहिन आमेज तरीके से इमरान खान का जिक्र करेगा जिना जी उसको तो सियासत ही नहीं आती वो उसकी अकल ही नहीं है बेवकूफ आदमी है वो अच्छा बेवकूफ आदमी है वो अच्छा कम अकल आदमी है वो अच्छा जो है गैर सियासी आदमी है वो ऐसा आदमी है जिसको सियासत नहीं आती जिसने आप लोगों की सियासत को जो है वो कबर के अंदर डाल दिया और ऊपर से वो मट्टी डाल रहा है और आप लोगों को सांस लेने में अब तकलीफ हो रही है लेकिन आप कहते हैं कि उसको ये कुछ भी नहीं आता ये है सियासी जोम तकब इनका जिसकी वजह से बार बार ये शिकस्त खाते हैं इसलिए कि आपने जब किसी का मुकाबला करना हो आपको उसको सर्टन रिस्पेक्ट देनी पड़ती है दूसरी चीज है कि आजकल के दौर में नौसरबाजी जो है ना वो क्रिएटिवनेस का मुकाबला नहीं कर सकती आप मुखलिफ जगहों पे कोई तस्वीर देख लेंगे सोशल मीडिया पे नौसरबाजी देख लेंगे दूसरी तरफ आप नौजवानों की क्रिएटिवनेस भी देखते हैं वो भी आपको नजर आती है इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप चलाकी जो है वो शौर का मुकाबला नहीं कर सकती चिलाकियां आप जितनी मर्जी कर लें लेकिन शौर को आप जो है ना उसको किसी भी बाशूर शख्स को आप बेवकूफ नहीं बना सकते तो ये चिलाकियां, नौसरबाजियां तकबर दूसरे को हकीर समझना उसके स्पोर्टर को कल्ट कहना ये वो सारी चीजें हैं जो इनकी डाउनफॉल की बुनियादी वजह बुनियादी वजह कि ये जो है आज इस पोजिशन में कि ये सारे मिल भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप जमान पार्क में जनाब ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं पुलिस की जानव से पीटीआई के जरा ये कह रहे हैं और उनके लोगों ने भी वहां पर जमा होना शुरू कर दिया और मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि कारकुन भी वहां पर आगे और कुछ फासले पर पुलिस भी मौजूद है जिले शाह के हवाले से आपको पता है कि पुलिस का यह कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट के अंदर वो जहां बाक हुए और बाकी जो पीटीआई दावा करती है वो दावा दुरुस्त नहीं है लेकिन आज फिर डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि जिले शाह का जो एक्सीडेंट है उसके हवाले से कोई फुटेज सामने नहीं आ सकी जिले शाह को जहां पे पुलिस ट्रक ने उतारा एक फुटेज दिखाई गई लेकिन उसमें जिले शाह कहीं पे नजर नहीं आते बाकी यह है कि किसी भी जगह पे एक्सीडेंट हो यह बताया गया कि 120 की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी क्या उस गाड़ी की कोई लाइट एंड टूटी उस गाड़ी को किस तरह नुकसान पहुंचा वो कौन सी गाड़ी थी यहां पे तो जनाब बंदा पे बल्ब चेंज कर रहा हो तो नीचे सौ बंदा इकट्ठा हो जाता है पाकिस्तान के अंदर तो ये कौन सा एक्सीडेंट है जहां पे लोग इकट्ठे नहीं हुए जिन्होंने मोबाइल से फुटेज नहीं बनाई किसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं आई तो यहां पे जो मिलने के बजाय मजीद सवाल खड़े हो गए और अब पुलिस ने खुद कंफर्म किया इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉन न्यूज के ने रिपोर्ट भी की है कि जनाब हमें कोई ऐसी फुटेज अभी तक नहीं मिली जिसमें जिले शाह के एक्सीडेंट को देखा जा सके तो ये बड़ी परेशान कुछ सूर्त हाल है इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस हवाले से तहकीकत होने की इस बहुत जरूरी है दोनों तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं सच का सामने आना बहुत जरूरी है वो एक दरवेश आदमी था एक बड़ा खूबसूरत इंसान था बड़ी प्यारी बातें करता था और वो कहता था जिले शाह की मैंने वीडियो देखी वो कहता था जुल्म का निजाम चल जाता है पर जो जहां पे इंसाफ ना हो वो निजाम नहीं चल सकता इंसाफ जो है ना आपको करना पड़ेगा तो अब हम हम सबका फर्ज है हुकूमत का फर्ज है इस माशरे का फर्ज है कि हम इंसाफ करें क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम जिले शाह के साथ इंसाफ कर सकें लेस होप कि कर सकेंगे अच्छा एक और चीज जो जनाब सदर ममलिकत को नायल करने की एक दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उठा के जनाब वो भर फेंक दी है वो उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई उसको खारिज कर दिया गया है और अग अगली और बड़ी खबर जो है वो दो खबरें जो मैंने आपको देनी है एक दुनिया के लिए खबर है और दुनिया के लिए खबर बड़ी अच्छी है और वो खबर ये है कि जनाब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा ये हम न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है दीगर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है आलमी सतह पर भी आप मीडिया को देखें तो वो रिपोर्ट कर रहा है कि जी क्रूड की क्या कीमत है पेट्रोल की फी बैरल क्या कीमत है या किस तरह वो उसकी आलमी मार्केट में कीमत है लेकिन आपके लिए जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इस हुकूमत ने इजाफा कर दिया है पेट्रोल की कीमत जो है अब दो सौ होगी है पांच रुपए इजाफे के बाद और डीजल की कीमत में तेरह रुपया इजाफा किया है सागदार साहब की हुकूमत ने तजर्बाकारों ने और अब उसकी डीजल की कीमत दो सौ हो गई है जी हाँ जी दो सौ तो ये मीशत की हालत है और ये सिचुएशन है इस वक्त के पूरी दुनिया के अंदर वैसे तो देखें एक आलमी सतह के ऊपर भी कुछ आपकी मुमालिक के अंदर ममालिकत के चैलेंजेस भी हैं मसाइल भी हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन जिस तरीके से चीजों को इन लोगों ने हैंडल किया आई से ये अभी तक भी था डील नहीं कर सके इनके दावे के जी बड़े हम का रहे हैं और हम पेट्रोल की कीमत कम करो ये करो ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो जो 150 रुपए में आप पेट्रोल लेते थे और डीजल लेते थे 150 के आगे पीछे इमरान आज से साल पहले इमरान खान की हुकूमत में वो अब 300 के करीब हो गया जनाब डीजल दो सौ रुपए का और पेट्रोल दो सौ रुपए का अब इसमें क्या पता मजीद इजाफा हो मजीद कमी हो उसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी या इनकी कर, इनकी जितनी भी इस अब तक की कारदगी है उसको देख के आपको ये लगता है कि ये इसमें बेहतरी नहीं आएगी तो ये अब तक की कुछ खबरें हैं जनाब बड़ी खबर ये है कि जमान पार्क पे कारकुन भी पहुंच गए हैं और पुलिस का भी आगे पीछे वहां पर जमा होना शुरू हो चुकी है और जो है कोशिश ये की जा रही है कि, 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 कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए क्यों गिरफ्तार किया जाए इस तरह के वारंट्स तो बहुत सारे निकलते हैं बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि अदालतें इस तरह के वारंट जारी करते हैं लेकिन जिस तरह की कार्रवाई खान साहब के खिलाफ की जा रही है लगता है कि वो खास ख्वाहिश की तकमील है जिसको करना है और ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है किसकी अना है मुझे तो लगता है कि शायद आइन और कानून की ये ख्वाहिश होगी और ये वही आइन और कानून है ना और ये वही अदालतें हैं जिसका आप कहते हैं ये वारंट हमने मनोहन करवाना है हेलीकॉप्टर पे पुलिस भेजनी है वाटर कैनन भेजना है ये करना है वो करना है इस पर मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट वो कह रही है वक्त पे इलेक्शन करवाओ हर महकमा खड़ा होगा आगे से हाथ खड़ा कर रहे हैं जनाब मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है और सियासतदान कह रहे हैं जनाब हमें तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे तो उस अदालत के फैसले की कोई कदर नहीं है दीगर अदालतों ने जो लॉर कोर्ट ने जो फैसला दिया कि जनाब डेट दें उसकी कोई कदर नहीं है तो बस पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ये जो वारंट है ये मसला बना हुआ है बाकी पाकिस्तान की जो हालत है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच